हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कविता चौहान और आज हम बात करेंगे बर्जेज मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी के बारे में, जिसमें हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे सेकेंड एडिशन में। तो ये पार्ट 6 है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी का। आफ्टर 1984 बहुत से वर्क किए गए सिक्वेंसिंग में आरआरएनए की, डीएनए की एंड प्रोटीन्स की, जिसने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस को सूटेबल बनाया प्रोक्रियोट्स के लिए। ये एडिशन बेस्ड था फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रादर देन फिनेटिक। दस ये क्वाइट डिफरेंट था फर्स्ट एडिशन से और ये पब्लिश हुआ 5 वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम फर्स्ट 2001 में पब्लिश हुआ। इसमें आर्किया, डीपली ब्रांचिंग एंड फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। वॉल्यूम सेकेंड में प्रोटियो बैक्टीरिया आते हैं एंड ये पब्लिश हुआ 2005 में। वॉल्यूम 3 में लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीनोम में ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो लो था। तो ये वॉल्यूम 2009 में पब्लिश हुआ। वॉल्यूम 4 में हाई जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीनोम में ग्वानिन एंड साइटोसिन का रेशियो हाई होता है। ये वॉल्यूम 2011 में पब्लिश हुआ। वॉल्यूम 5 में प्लैंक्टोमाइसिटीज, स्पाइरोकेट्स, फाइब्रोबैक्टर्स, बैक्टीरॉइड्स एंड फ्यूजो बैक्टीरिया आ जाते हैं एंड ये वॉल्यूम 2012 में पब्लिश हुई। वॉल्यूम फर्स्ट में डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया आते हैं। डोमेन आर्किया में फाइलम क्रिनार्कियोटा एंड फाइलम यूकैरियोटा आते हैं। फाइलम क्रिनार्कियोटा कंटेन करता है थर्मोफिलिक एंड हाइपर थर्मोफिलिक सल्फर मेटाबोलाइजिंग प्रोक्रियोट्स एंड इसके अंडर एक सिंगल क्लास आती है थर्मोप्रोटी। जो इम्पोर्टेंट जेनेरा है अंडर दिस फाइलम वो है थर्मोप्रोटियस, पायरोडिक्टियम एंड सल्फोलोबस। रिसेंटली फाइलम क्रिनार्कियोटा में ऐसे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए जा रहे हैं जो कि इनहिबिट हो रहे हैं सल्फर की प्रेजेंस में एंड ग्रो हो रहे हैं लो टेम्परेचर्स में। फाइलम यूकैरियोटा में प्राइमरली मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स आ जाते हैं। इसके अलावा थर्मोफिलिक एंड सल्फर रिड्यूसर्स भी इस फाइलम के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। ये फाइलम डिवाइड होता है 8 क्लासेस एंड 12 ऑर्डर्स पे। डोमेन बैक्टीरिया में फाइलम एक्विफेसी एंड फाइलम थर्मोटोगा आ जाते हैं। फाइलम एक्विफेसी कंटेन करता है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सच एज एक्विफेक्स एंड हाइड्रोजिनोबैक्टर। इन ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है कि ये यूज करते हैं हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एक्विफेक्स का मतलब होता है वाटर मेकर। ये ऑर्गेनिज्म रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस करता है वाटर। फाइलम थर्मोटोगा कंटेन करते हैं एनारोबिक थर्मोफिलिक फर्मेंटेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और इन ऑर्गेनिजम्स में अनयूजुअल फैटी एसिड होते हैं एंड ईथर लिंक्ड लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा अंडर फाइलम थर्मोटोगा आते हैं वो हैं थर्मोटोगा, जियोटोगा, फेबिडोबैक्टीरियम एक्सेट्रा। तो आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर है थर्मोटोगा का। थर्मोटोगा का स्ट्रक्चर बहुत यूनिक होता है क्योंकि अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ये जो शेडेड पोर्शन है थर्मोटोगा का, ये इसका साइटोसॉल है और जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोसॉल से एंटायरली अटैच नहीं है। ये इस तरीके से कुछ लूज स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये थर्मोटोगा को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, या बोल सकते हैं थर्मोटोगा का स्ट्रक्चर कुछ अलग है अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। डोमेन बैक्टीरिया के अंडर फाइलम एक्विफेसी एंड फाइलम थर्मोटोगा के अलावा फाइलम डीनोकोकस थर्मस, फाइलम क्लोरोफ्लेक्सी, फाइलम साइनोबैक्टीरिया एंड फाइलम क्लोरोबीबी आ जाते हैं। फाइलम डीनोकोकस थर्मस के अंडर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें हाई कैरोटीनॉइड कंटेंट होता है। दैट इज वाई ये ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रेजिस्टेंट होते हैं रेडिएशन से। तो आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम डीनोकोकस थर्मस का है एंड ये ऑर्गेनिजम्स टेट्राड शेप में प्रेजेंट होते हैं। फाइलम क्लोरोफ्लेक्सी के अंडर ग्राम नेगेटिव ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं एंड ये ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट करते हैं एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड ग्लीडिंग मोटिलिटी। एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि
वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एंड ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में इवॉल्व नहीं कर रहे हैं। ग्लीडिंग मोटिलिटी वो मोटिलिटी होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स विदाउट यूजिंग देयर सरफेस अपेंडेजेस मूव करते हैं। तो पर्टिकुलरली ग्लीडिंग मोटिलिटी ऐसे एनवायरनमेंट में देखी जाती है जहाँ पे एक्वस कंडीशन नहीं होती है। इन ऑर्गेनिजम्स में अनयूजुअल पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है एंड ये लैक करते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड इन देयर आउटर मेम्ब्रेन। फाइलम साइनोबैक्टीरिया के अंडर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सनलाइट को यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, बट ये ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को भी इवॉल्व करते हैं एनवायरमेंट में। इन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होता है। इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर फॉर्म में हो सकते हैं और ये फिलामेंटस या कॉलोनियल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सर्स भी होते हैं जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबीना एक्सेट्रा। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल के कंपार्टमेंट में होती है जिसको हेटरोसिस्ट कहा जाता है। फाइलम क्लोरोबी में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, एग्जाम्पल के लिए ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू रिडक्टिव ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से रादर देन केल्विन साइकिल, एंड ये ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फाइड को सल्फर ग्रेन्यूल्स में, एंड ये सल्फर ग्रेन्यूल ये एक्यूमुलेट करते हैं अपने सेल के आउटसाइड में। वॉल्यूम सेकेंड में फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं 5 क्लासेस, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया, गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया एंड एप्सिलन प्रोटियोबैक्टीरिया। ये सारे ऑर्गेनिजम्स ग्राम नेगेटिव होते हैं एंड शो करते हैं एक्सट्रीम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करते हैं फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च सिग्निफिकेंस। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया ऑलिगोट्रॉफिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, दैट मींस कि ये ऑर्गेनिज्म लो न्यूट्रिएंट लेवल में ग्रो करने में केपेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रोडोस्पायरेलम, एजोस्पायरेलम, रिकेट्सिया, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टर एक्सेट्रा। बीटा प्रोटियोबैक्टीरिया यूज करते हैं ऑर्गेनिकली डिकम्पोज्ड मटेरियल को इन एनारोबिक जोन्स। एग्जाम्पल के लिए बॉर्डीटेला, लैप्टोथ्रिक्स, निजेरिया, एक्वी स्पायरलम, नाइट्रोसोमोनास, गैलियोनीला, स्पायरलम एक्सेट्रा। गामा प्रोटियोबैक्टीरिया कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक होते हैं, दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनिज्म केपेबल होते हैं ऑक्सीडाइज करने में ऑर्गेनिक केमिकल्स को टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये फैकल्टेटिवली एनारोबिक होते हैं एंड फर्मेंटेटिव भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंटेरोबैक्टीरियासी, स्यूडोमोनेडेसी, एजोटोबैक्टीरियासी एक्सेट्रा। डेल्टा प्रोटियोबैक्टीरिया मेनली कैटेगराइज किया जाता है 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट है प्रिडेटर्स, सेकेंड है मिक्सोकोकेल्स एंड थर्ड है एनारोबिक सल्फेट रिड्यूसर्स। प्रिडेटर्स में बेडिलोविब्रियो आ जाते हैं, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। बेडिलोविब्रियो इस तरीके से कॉमा शेप में ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दैट इज वाई ये ऑर्गेनिजम्स एक्टिवली मोटाइल होते हैं। बेडिलोविब्रियो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, इनको प्रिडेटर बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फीड करते हैं। मिक्सोकोकेल्स को स्लाइम बैक्टीरिया कहा जाता है, और एग्जाम्पल के लिए फ्रूटिंग मिक्सो बैक्टीरिया। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं फ्रूटिंग मिक्सो बैक्टीरिया जब न्यूट्रिशनल रिच एनवायरनमेंट होता है तो यूनिसेल्युलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फ्रूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इन फ्रूटिंग स्ट्रक्चर में इनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एनारोबिक सल्फेट रिड्यूसर्स में डिसल्फो विब्रियो आ जाते हैं। एप्सिलन प्रोटियोबैक्टीरिया जो होते हैं ये एक स्मॉल क्लास है ऑर्गेनिजम्स की, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो हेलियोबैक्टर होते हैं एंड कैंपाइलोबैक्टर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजन होते हैं एंड कॉज करते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये है कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी एंड ये है हेलियोबैक्टर पाइलोरी।
ये दोनों ऑर्गेनिजम्स स्पाइरल शेप के होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंड ये ऑर्गेनिजम्स एक्टिवली मोटाइल होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। हेलियोबैक्टर पायलोरी कॉज करता है पेप्टिक अल्सर, एंड कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी कॉज करता है स्टमक फ्लू। वॉल्यूम 3 में फाइलम फॉर्मिक्यूट्स आते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इनके डीएनए में लो जीसी कंटेंट होता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इनमें हिटरोट्रॉफिक होते हैं। माइकोप्लाज्मास जो कि सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड स्टेन होते हैं ग्राम नेगेटिव, इसको भी अंडर फाइलम फॉर्मिक्यूट्स रखा गया है बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं टू लो जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। क्लास 1 में क्लॉस्ट्रीडिया आते हैं, क्लॉस्ट्रीडिया एनारोबिक होते हैं, वेरी करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड साइज में, एंड इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं वाइल अदर्स एंडोस्पोर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई का स्ट्रक्चर है एंड ये क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजिंस का स्ट्रक्चर है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई शो करता है टर्मिनल स्पोर्स, वाइल क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजिंस एंड क्लॉस्ट्रीडियम बर्टिलिनम में सब टर्मिनल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई कॉजेटिव एजेंट होता है टिटनस का, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्यूजिंस कॉज करता है गैस गैंग्रीन एंड क्लॉस्ट्रीडियम बॉटिलिनम कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। क्लास 2 में मॉलिक्यूट्स आते हैं। मॉलिक्यूट्स को सिंपली हम माइकोप्लाज्मास भी कहते हैं। ये सेल वॉल लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टेन होते हैं ग्राम नेगेटिव, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, दैट मीन्स कि इनकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं ये। नॉर्मली ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनको ग्रोथ के लिए स्टेरॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत से इनमें एनिमल एंड प्लांट पैथोजेंस होते हैं, एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा एंड स्पीरोप्लाज्मा। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये शो करते हैं फ्लाइड एग कॉलोनीज। क्लास 3 में बेसिलाई आते हैं। बेसिलाई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एरोबिक या फैकल्टेटिवली एनारोबिक होते हैं, कोकाई एंड रॉड्स होते हैं। बहुत से इनमें एंडोस्पोर फॉर्मिंग होते हैं। इसके अलावा इनमें मेडिकली एंड इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट जेनेरा भी आ जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, एंटेरोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोकोकस एक्सेट्रा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये लैक्टोबैसिलस का स्ट्रक्चर है जो कि रॉड शेप में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये ल्यूकोनोस्टॉक का स्ट्रक्चर है जो कि कोकस शेप में प्रेजेंट होते हैं एंड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। वॉल्यूम 4 में फाइलम एक्टिनोबैक्टीरिया आते हैं। ये कंटेन करते हैं हाई जीसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड शो करते हैं इनॉर्मस मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। ये कोकस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर रॉड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग हाइफी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आप यहाँ डायग्राम में अगर देखेंगे, ये एक्टिनोबैक्टीरिया का डायग्राम है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ब्रांचिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, और ऐसा लगता है जैसे कि फंगस हो। ये लैग करते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बहुत से जेनेरा इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट जेनेरा अंडर फाइलम एक्टिनोबैक्टीरिया आर एक्टिनोमाइसिटीज, आर्थ्रोबैक्टर, ब्रेविबैक्टीरियम, सेल्युलोमोनास, कोराइनीबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, नोकार्डिया, प्रोपिनियोबैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, फ्रेंकिया एक्सेट्रा। वॉल्यूम 5 में फर्स्ट आता है फाइलम प्लैंक्टोमाइसिटीज। ये लैग करते हैं पेप्टेरोग्लाइकेन, ग्रो होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स में, कोकोइड, ओवॉइड और पियर शेप्ड होते हैं। मोस्ट इनमें यूनिसेलुलर होते हैं बट कुछ इनमें चेन का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये डिवाइड होते हैं बाय बडिंग एंड ये प्रोड्यूस करते हैं नॉन प्रोस्टिकेट अपेंडेजेस जिसको स्टॉक्स कहा जाता है। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं प्लैंक्टोमाइसिटीज के, यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है बाय बडिंग, एंड इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेल बॉडी से इस तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रक्चर अटैच है, ये स्ट्रक्चर स्टॉक्स कहलाता है। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे प्लैंक्टोमाइसिटीज के ऑल ओवर बॉडी में इस तरीके से आपको जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये फ्लैजिला है। प्लैंक्टोमाइसिटीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये मूवेबल होते हैं एंड मूव करते हैं फ्लैजिला से,
इसके अलावा ये ग्लीडिंग मोटिलिटी भी शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैंक्टोमाइसिस, गेमेटा, आइसोस्फेरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है फाइलम क्लमाइडिया। क्लमाइडिया ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं क्लमाइडिया के, ये किस तरीके से सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये लैक करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये कोकॉइड होते हैं विद नो एपेंडेजेस। दो स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल की, एलिमेंट्री बॉडीज एंड रेटिकुलेट बॉडीज। ये कॉज करते हैं बहुत सी ह्यूमन डिजीजेस। नेक्स्ट है फाइलम स्पाइरोकेट्स। स्पाइरोकेट्स ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एक्टिवली मोटाइल होते हैं, इनमें एंडोफ्लैजेला देखने को मिलता है, ये हेलिकल शेप्ड होते हैं और इनमें यूनिक मोटिलिटी बिहेवियर होता है, क्योंकि इनके जो फ्लैजेला होते हैं वो रोटेट होते हैं एंड मूव करते हैं सेल को, इवन दो ये फ्लैजेला डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। आप यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्पाइरोकेट्स का। स्पाइरोकेट के स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बाहर की तरफ फ्लैजेला देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑर्गेनिजम्स कीमोहिट्रोट्रॉप्स होते हैं। स्पाइरोकेट्स फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रिपोनिमा एंड बोरियला। नेक्स्ट है फाइलम बैक्टीरियोइड्स। ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक होते हैं एंड रॉड शेप्ड होते हैं। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एनवायरमेंट्स में, इंक्लूडिंग सॉइल, सेडिमेंट्स एंड सी वाटर। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स स्किन एंड गट में भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोइड्स, फ्लेवोबैक्टीरियम, फ्लेक्सीबैक्टर, साइटोफेगा, टॉक्सोथ्रिक्स एक्सेट्रा। फ्लेक्सीबैक्टर एंड साइटोफेगा ग्लीडिंग बैक्टीरिया हैं एंड इनका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट बर्जेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी सेकेंड एडिशन। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।